अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग जी? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। तो जी, सबसे पहले आप सबको चांद मुबारक। हाँ, उसके बाद ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो भाई, हमारा ब्लॉग शुरू हो गया। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ये मेहंदी। ये फातिमा ने लगाई है। हाँ, मेहंदी मैं तो नहीं लगवाना चाहती, जबरदस्ती पकड़ के ईद लगाओ, क्योंकि मैंने अम्मी को इतना कमी में पॉलर जा रही हूँ, अभी मेरे साथ चल रहा, लेकिन अम्मी नहीं है। नहीं, बहुत काम करती हूँ, बहुत मसरूफ हूँ, अच्छी बच्ची हूँ। ये अम्मी पॉलर जाती तो अच्छी लग जाती, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने लगाई है। देखे कितनी अच्छी लगाई है इसने मेहंदी, बहुत अच्छी लगाई है इसने। तो अब हमारा व्लॉग शुरू है, हम आपको दिखा दें। अभी मैंने रात ही में शीर खुरमा भी बना लिया, सुबह इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, तैयारी भी करनी है तो और काम भी होते हैं। मैंने शीर खुरमा, मैं इनको शीर खुरमा भी दिखा, आओ हम आपको। शीर खुरमा बन रहा है कल का, आज है चांद रात, और हम लोग अभी से ही बनाना तैयारी शुरू करेंगे तो फिर होगा ना। अब ये दूध उबल रहा है, हम इसको जब तैयार करेंगे तो फिर आपको बताएंगे। ये देखिए, ये शीर खुरमा मैंने बनाया है, अभी गर्म है। बादाम, पिस्ते, ये वो सब कुछ मैंने डाल दिया इसमें। ये बहुत मज़े का, बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। ईद पे ज़्यादातर शीर खुरमा ही होता है, हलवा तो कोई नहीं बनाता। हाँ, खीर, खीर होती है, लेकिन खीर में थोड़ी मेहनत थी, तो मैंने कहा अभी शीर खुरमा ही बनाओ जिससे ज़्यादा मेहनत ना, वो काम करो जो आसानी से हो जाए। और आप इनको अपने कपड़े भी दिखाएं, आप कल क्या पहनने वाली? हाँ, मैंने अभी ना, मेरी मेहंदी ज़रा सूख जाए तो फिर मैं आपको अपने कपड़े दिखाऊंगी कि मैं कल क्या पहन रही हूँ। तो फिर चलते ईद का है यारो ये पया। नाज़रीन देख ले, अब हम तैयारी कर रहे हैं ईद की, ब्लीच वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लीच लगा रहे हैं, फैशन कर रहे हैं, फुल मस्ती, फुल ग्लैमर, फुल इंजॉय। भी रोजे रखे हैं तो अब तैयार होने का भी तो हक है ना हमारा, हमारे भी तो रोजे हम ही लोगों के लिए। हमने अल्लाह मियां पे, हमने अल्लाह पे रोजे रखे, एहसान किए। अल्लाह भी कहते तुमने ब्रिज वगैरह की, तुम लोग दोबारा कुरान पकड़ लो, मेरा शुक्र अदा करो। लेकिन नहीं, हम लोग जो इस ये सब लगा के अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। जी, बहन भाई ने लगाना है, अपने खर्चे पे लगा ले। तो खुद का है आज, खुद का है ना आपने? मैंने खुद का। सही। तो जी नाज़रीन, आप सबको ईद मुबारक। तो आज ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, तो आज खाने पीने का दिन है ज़्यादा था। तो देखिए, हमने अपने आगे खाना पीना सजा के रखा हुआ है। ये आप ही फातिमा, मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, आज ईद है और हमें नींद तो बहुत आई हुई है, क्योंकि पूरी रात जागे हम लोग, पूरी रात के जागे हुए हैं और सुबह ही, बस अभी तक नहीं सोए, जागे हुए ही हैं। पर सुबह हमने पराठा और कलेजी खाई, वो हम दिखा नहीं सके, बस उठे ऐसे। फिर शीर खुरमा हमने बनाया है, ये सब चीज़ें, अभी तो चिकन भी बन रहा है और कीमा भी बन रहा है, वो कीमा भी हम आपको दिखा देंगे, बना दिखाएंगे, खिला कर दिखाएंगे। बच्चे सारे आगे पीछे नमाज़ पढ़ के, शीर खुरमा खाकर, सब बच्चे गायब हैं। आपको सबसे वक्त वक्त से हम सारा दिन मिलाते रहेंगे, हम किसी का पीछा नहीं छोड़ने वाले। हम तो खा खा के थक गए, हम बंद नहीं हो रहे, तो शैतान खुल गया ना, अरे हम भी खुल गए आज। सुबह से हम खा रहे, समझ नहीं आ रहा क्यों खा रहे, क्यों खा रहे समझ नहीं आ रहा। बस घर का मुँह चले, बड़े दिनों के बाद आज दोपहर में खा रहे हैं, सुबह का नाश्ता कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, पानी पी रहे हैं। लेकिन रहमतों वाला मिल जाता है, बरकत वाला मिल जाए, वो तो अपनी जगह पर, ये तो मजाक हो रहा है। लेकिन आज ईद है तो ईद का तो मज़ा तो नहीं है ना, इसलिए हम क्यों भी फातिमा, क्या माहौल है तुम्हारा? आज बहुत मज़ा आ रहा है, हमें बहुत इंजॉय कर रहे हैं आज। कभी फातिमा फ्रिज में से पानी, कहीं फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक, और फिर मैं उस टाइम डर गई, मैंने फ्रिज में जैसे जूस निकाला, मैं मेरा रोज़ा नहीं, फिर टाइम देखा मैं, कहो फातिमा आज तो ईद है। अभी सवैया भी खाई इसने, शीर खुरमा जो बनाया तो सबने खाया, चना चूर भी इसने इतने सारे खाए, कोल्ड ड्रिंक भी पी, इसकी दोस्तें आई हुई थी, अब खाना भी तैयार हो गया। अभी अभी आप कह रहे अम्मी जल्दी करो खाना, सुबह पराठा कलेजी खाई इसने। यार सबने खाया, मैं इतना नहीं खाती, लेकिन देख रहे हैं मिन 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 में आज खुली हुई है। अच्छा खुली हुई है, खा, मेरी इल्जाम मेरे पे लगा रही है। पापा क्या पक रहा है आज भाई? आज कीमा बन रहा है, पक रहा है की फरमाइश।
हाँ, सब बच्चों की फरमाइश थी कि हमने पूरे रमजान कीमा नहीं खाया, हमने चिकन खाया, बिरयानी खाई, कौरमा खाया, बहुत कुछ खाया, लेकिन हमने कीमा इस महीने नहीं खाया था। वो कीमा इन्होंने ईद के लिए रख लिया कि भाई हम ईद पे कीमा खाएंगे। तो मैं खड़े मसाले का कीमा बना रही हूँ, मगर चले आप लोगों से शेयर करें, दिखाएं और कैसी गुजर रही है आप सबने हमें कमेंट में बताना। हमारी इस पर बहुत हैप्पी गुजर रही है। मैं फिर से आप लोगों से कह रही हूँ कि आप सब बहन भाइयों को, मेरे बहन भाइयों को, आपके बहन सबको ईद मुबारक। अब हो गई है शाम, शाम हो गई है, फिर खाना पीना। अभी हमने फुलकियाँ बनाई है, दही फुलकियाँ, ये बच्चों की बहुत फेवरेट है, ये रमजान में भी इन्होंने बहुत खाई है और अब फिर ये खा रहे हैं। अब हमने ये बनाई, हमने कहा चलो ये खाते हैं, थोड़ी चाय पीते हैं। तो हमारा ईद कैसी गुजरी वो तो हमने दिखाया। बच्चे आज सामने नहीं आ सके कि बच्चे घर पे नहीं थे, लड़के ने सुबह से गए हुए तो वैसे गए, 5 मिनट के लिए आ रहे फिर जा रहे, 5 मिनट के लिए आ रहे फिर जा रहे, कि उनसे आपका आपको मैं दिखा नहीं सकी, ना अपना शोर दिखा सकी। तो कल लगा हमने व्लॉग बनाया, तो कल फिर आप लोगों को वो दिखेंगे। तो अब हमें आप इजाज़त दें और हमें कमेंट में बताएं कि हमारी ईद आपने देखी, आपको कैसा लगा। चलिए जी, हमारी तरफ से फिर मुबारक ईद मुबारक।